हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। जैसे हमने पहले पहले वीडियो में डिस्कस किया था कॉग्निटिव थ्योरी, सो इस वाले वीडियो में हम लोग दो थ्योरी कवर कर लेंगे। ज़्यादा बड़ी थ्योरीज नहीं है, छोटी सी हैं, सो दो थ्योरी हमारी आज कवर हो जाएंगी। तो पहले बात करते हैं द सोशल डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ द वाइगोट्स्की। वाइगोट्स्की एक साइकोलॉजिस्ट है, उन्होंने एक अपनी थ्योरी दी थी जिसका नाम है सोशल डेवलपमेंट थ्योरी, और ये रशिया के हैं। ठीक, जैसे कि हमने जाना था जीन पियाजे जो थे वो स्विट्जरलैंड के हैं, वैसे ही रशिया के हैं। तो देखिए, पहली बात तो इन्होंने सोसाइटी और कल्चर को सबसे इंपॉर्टेंट माना था। चाइल्ड सीडी मतलब होता है चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है, मैंने एक जगह लिखा हुआ है सीडी। तो सोसाइटी और कल्चर का मतलब क्या होता है कि उन्होंने सबसे इंपॉर्टेंस इन्हीं को दिया। जैसे जीन पियाजे ने इनको महत्व नहीं दिया था, लेकिन सबसे ज्यादा उन्होंने बोला कि किसी भी बच्चों के डेवलपमेंट के लिए ये सबसे जरूरी होता है। उसके बाद इन्होंने बताया कि जब भी बच्चा सोसाइटी से आने से पहले उसके अंदर कुछ पावर्स अपने आप पहले से रहती है, उसे हम लोग बोलते हैं एक्चुअल पावर। जैसे कि जब बच्चा बॉर्न होता है तो उसमें जैसे कि सारे सेंसेस अवेलेबल हैं, हर चीज है, बट उसे सिखाया नहीं गया हुआ है, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ चीजें पहले से ही रहती हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं एक्चुअल पावर। जिसको आपको सिखाना होता है, जिस रूप में आप उसको ढालेंगे वैसा वो ढल जाता है, लेकिन इसके पहले उसके अंदर पावर होती है, इसे बोलते हैं एपी। फिर जब वो सोसाइटी है, बट वेन इट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द सोसाइटी, जब भी सोसाइटी कॉन्टैक्ट में आता है तो उससे वो बहुत कुछ सीखता है, उसको हम लोग बोलते हैं स्कैफोल्डिंग। ये जो टर्म लिखा है ना, ये वाला स्कैफोल्डिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो स्कैफोल्डिंग का मतलब क्या होता है, जो भी चीजें सोसाइटी उसको सिखाती है बच्चे को जब वो कॉन्टैक्ट में आता है, इसे स्कैफोल्डिंग बोलते हैं, जिसकी वजह से उसका जो एक्चुअल पावर होता है वो बढ़कर कन्वर्ट बढ़ जाता है एक्चुअल पावर, और वो बदल जाता है वर्किंग पावर में। जैसे कि जब वो काम करने लगता है कुछ ना कुछ, तो उसे बोलते हैं वर्किंग पावर, तो इसको बोलते हैं WP। ठीक, फिर एक डिफरेंस होता है, अगर आप एक्चुअल पावर में से वर्किंग पावर को माइनस कर लेंगे तो वहां से एक टर्म निकल कर आता है ZPD, मतलब कि जोन ऑफ द प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ये बहुत जरूरी है, तो ZPD का जो मतलब अगर आपको निकालना है कि कितना उसने सीखा, मतलब एक्चुअल पावर माइनस वर्किंग पावर, ठीक है, तो AP माइनस WP ध्यान रखिएगा। और एक लास्ट पॉइंट है थ्योरी का, इन्होंने इंपॉर्टेंस दिया था स्पोर्ट्स को, क्योंकि इनका ये मानना था कि बच्चा जब तक खेलेगा नहीं तब तक उसका मैक्सिमम डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, तो उन्होंने स्पोर्ट्स को बहुत महत्व दिया था। एक पॉइंट ये जरूरी है, ZPD बहुत जरूरी है, एक्चुअल पावर माइनस वर्किंग पावर, और एक्चुअल पावर वो जो उसको मतलब पहले से रहती हैं, वर्किंग पावर वो जो उसकी बाद में बदल जाती हैं, इनको माइनस करेंगे तो ZPD मिल जाएगा। तो यहाँ से हमारा जो थ्योरी था सोशल डेवलपमेंट थ्योरी वाला वाइगोट्स क्यों खत्म हो गया। ठीक है, फिर बात करते हैं हमारा जो नेक्स्ट थ्योरी होता है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग यहाँ बोलते हैं द लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट थ्योरी बाय द नॉम चॉम्स्की। ठीक है, नॉम NOM है वो, और ये रहने वाले USA के हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट। लिंग्विस्टिक का मतलब होता है भाषा से, जो भाषा होती है वो कैसे बच्चों में डेवलप करती है वो उन्होंने बताया था। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये बताया था इन्होंने कि जब भी बच्चा स्कूल आने तक मतलब कि पहले, तो उसको कुछ ना कुछ लैंग्वेज आती है, उसकी मदर टंग होती है, और उसका ग्रामर भी उसको पता होता है। ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग जनरेटिव ग्रामर, जो बच्चा घर से सीख कर आया होता है, और वो कोई भी भाषा हो सकती है, हिंदी, उर्दू, या मीन्स मराठी, कुछ भी हो सकता है, तो उसको उस भाषा की मतलब जो ग्रामर होती है वो अच्छे से आती होती है, अच्छे से तो नहीं कह सकते बट आती होती है, बोलने लायक होता है। उसके बाद दिस ग्रामर इज गिवन प्लेस इन द क्लास, अगर इस भाषा को, अगर उस बच्चे की लैंग्वेज को अगर आप मतलब सम्मान देते हैं, सम्मान मतलब कि एक टीचर होते हैं उसको डांट के मतलब चुप करा बैठाल देंगे कि चुप रहो ये क्या बोल रहे हो तुम, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर आप उसको आसानी से उसको क्लास में उसको महत्व देते हैं तो इससे बच्चों का मतलब जो सीखने का स्पीड होता है वो हाई होता है, थोड़ा वो जल्दी चीज़ों को पिक कर लेता है, बट अगर आप अपनी तुरंत उसको नई लैंग्वेज दे देंगे तो जल्दी सीख नहीं पाएगा वो। और इस थ्योरी का नाम होता है इसीलिए जनरेटिव ग्रामर थ्योरी, क्योंकि बच्चा कुछ ना कुछ सीख कर आया होता है। ठीक है, फिर यहाँ पे दो पॉइंट्स होते हैं, एक होता है लर्निंग एक्यूजन, एक्यूजन मतलब होता है अर्जन करना। अर्जन हम लोग क्या बोलते हैं, जब भी कोई भी चीज अगर बच्चा मींस कोई भी सीक्वेंस के बिना अगर सीख लेता है, मतलब कि इसे घर पे जब बच्चा सीखता है तो जैसा भी माहौल रहेगा वैसा वो सीख जाएगा। और एक होता है लैंग्वेज लर्निंग, मतलब कि एक लॉजिकल सीक्वेंस में चीजों को सीखता है। ओके क्लास, थैंक यू।